सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, मोबाइल तो लगभग हम सभी लोग यूज़ करते हैं, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल के अंदर हम देखते हैं वो है डिस्प्ले, कैमरा, रैम, स्टोरेज। लेकिन एक चीज़ जो इसका माइंड है, जो एक तरह से गाड़ी का इंजन है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोसेसर। और आज की तारीख में प्रोसेसर जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है, स्नैपड्रैगन का, मीडिया ट्रैक का, सैमसंग का अपना है, एप्पल का अपना है, लेकिन जो प्रोसेसर है उनके अंदर भी काफ़ी फाइट चलती रहती है। और ये प्रोसेसर जो है आज की तारीख में दो प्रोसेसर जिनकी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है वह है स्नैपड्रैगन 636 और स्नैपड्रैगन 660। दोनों प्रोसेसर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव फोन्स हैं जिनके अंदर इन प्रोसेसर्स का मुकाबला बहुत तगड़ा चलता है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसर के बारे में और देखेंगे कौन सा प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेसर से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है या थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेसर की अगर जिसकी हम बात करेंगे वो है 636 और ये 630 का अपग्रेड है। और जो 660 मॉडल है 660 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, वो 653 जो प्रोसेसर आता था पहले उसका एक अपग्रेड मॉडल है। बात करते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोनों ही 14 नैनोमीटर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए हैं। और अगर बात करते हैं तो आर्किटेक्चर भी दोनों का 64 बिट पे है। सीपीयू की अगर बात करते हैं तो 636 जो प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जबकि 660 जो प्रोसेसर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर जीपीयू की बात करते हैं तो 636 के अंदर आपको एड्रेनो का 509 का जीपीयू मिलेगा, जबकि वहीं आपको 660 के अंदर 512 का जीपीयू मिलेगा एड्रेनो का। दोस्तों, रैम की अगर बात करें तो दोनों के अंदर ड्यूल चैनल की आपको LPDDR4 की रैम मिलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो 636 के अंदर आपको 1333 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि स्नैपड्रैगन 660 के अंदर आपको 1866 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलती है। वहीं पर अगर डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते हैं तो 636 जो है फुल HD को सपोर्ट करता है 18:9 के, जबकि बात करते हैं 660 की तो वो क्वैड HD को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, चाहे रैम की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, चाहे GPU की बात करूं, या फिर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो चारों ही चीज़ों के अंदर 660 जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है 636 के मुकाबले। अब बात करते हैं इसके कैमरा सपोर्ट की, तो वो लगभग दोनों का इक्वल है। दोनों ही 24 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल के कैमरा को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर जो है 4K UHD वीडियो को कैप्चर करते हैं, 30 फ्रेम पर सेकंड पर क्लिक करते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर जो है 4K वीडियो को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे में दोनों ही प्रोसेसर जो है क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 को भी सपोर्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर लगभग सेम सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं। तो ये था दोस्तों मुकाबला 636 और 660 के बीच में। और मेरा ये मानना है कि 660 जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो कहीं एज लेके जाता है 636 की अगर बात करते हैं, चाहे वो हम बात करें फ्रीक्वेंसी की या रैम सपोर्ट की बात करें, क्योंकि गेमिंग वगैरह आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फ़ोन्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक अपग्रेड मॉडल है 660 जो प्रोसेसर है और वो आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की तारीख में क्वैड HD की अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो गेमिंग बहुत ही एक बढ़िया गेमिंग उसके अंदर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो रैम सपोर्ट की बात करें, चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे फ्रीक्वेंसी की बात करें, हर एक चीज़ के अंदर जो है वो 660 से जो है बाजी मार के ले जाता है 636 से। तो मिड रेंज के जो फ़ोन है, अगर आप 10,000 से लेके 20,000 के बीच में कोई फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 660 के लिए जाइएगा इंस्टेड ऑफ 636। तो ये थे मेरे वर्डिक्ट इन दोनों प्रोसेसर के मुकाबला करने के बाद। हालांकि दोनों के अंदर कोई ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन अगर हमारे को थोड़ा सा भी बेटर मिल रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो आज इन दोनों का मैंने कराया कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन अगर पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं किसी और प्रोसेसर का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।